तो वो भी थोड़ा नायग्रा फॉल्स की साइड पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। कल एक्चुअली यहाँ पर जब मैंने डिनर किया था तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मेरे को फूड कार्ट मिली। आप देख सकते हैं ये इट्स इंडियन फूड कार्ट। तो यहाँ पर ये डोसा वगैरह, समोसा चाट, पापड़ी चाट, सांभर इडली, थोड़ा नॉन वेज स्टफ। इस समय सारी रोड्स वगैरह सब कुछ खाली है, ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ यहाँ अकेला मैं ही हूँ। यहाँ पर एक्चुअली खाने की और भी ऑप्शंस हैं, जैसे काठी रोल्स ऑन द फॉल, ये अपना हलाल फूड, ये यहाँ बर्गर वगैरह। तो पहले कभी देखी नहीं थी फूड कार्ट, आई थिंक अभी पिछले कुछ टाइम में काफ़ी पॉपुलर हो गई हैं। तो यहाँ हम अभी चल रहे हैं न्यूयॉर्क स्टेट पार्क के बीच में से, और मैं कल भी इसी एरिया में आया था और यहाँ से ही पार्क को क्रॉस कर नायग्रा फॉल्स गया था। तो अभी सामने कुछ लोग जाते हुए दिख रहे हैं, तो अभी लगता है थोड़ी देर में जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा भीड़ बढ़ती जाएगी। तो आप अभी यहाँ देख रहे हैं ये नायग्रा फॉल्स का जो पानी है नीचे वाटरफॉल्स की तरफ जा रहा है। तो पानी की आप स्पीड देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है, और जो पानी का कलर ग्रीन इसलिए है क्योंकि जो इसके नीचे के रॉक्स हैं वो सारे ग्रीन कलर के हैं, तो इसलिए उसका रिफ्लेक्शन पानी में आ रहा है। और अभी यहाँ कुछ ही देर में सनराइज़ होने वाला है, थोड़ी थोड़ी सी धूप आनी शुरू हो गई है। तो आगे बढ़ते हैं, नायग्रा फॉल्स की दूसरी साइड पर जाते हैं और उसे एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ से वाटरफॉल्स का एक और व्यू देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं वॉक कर रहा हूँ टुवर्ड्स द हॉर्सशू फॉल। नायग्रा फॉल्स की लोकेशन ऐसी है कि अगर आप यूएस साइड से हैं तो आप कहीं पर भी आप पूरे हॉर्सशू फॉल्स को एक साथ देख नहीं सकते, लेकिन आप कैनेडियन साइड जो कि बिल्कुल मेरे सामने है अक्रॉस द रिवर, अब वहाँ से आप किसी भी एंगल से पूरा का पूरा हॉर्सशू फॉल देख सकते हैं। तो अभी इस टाइम सुबह के 6:30 बज रहे हैं, ज़्यादा लोग तो यहाँ पर है नहीं, मुझे सिर्फ दो लोग दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं हॉर्सशू फॉल के बिल्कुल पास आ चुका हूँ, दिस इज़ द क्लोजेस्ट यू कैन गो। तो आपने दूसरे व्यूज़ में भी देखा होगा कि पानी का फ्लो बहुत ही ज़्यादा है, और इसी कारण से जो बैकग्राउंड में आपको जितनी भी आवाज़ आ रही है वो सारी की सारी पानी के बहने की है। यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगेन पूरा हॉर्सशू फॉल हम देख नहीं सकते हैं यूएस साइड पे होने के कारण। लेट्स एंजॉय द व्यूज़। अभी अभी वीडियो कैप्चर करते हुए मैंने रियलाइज़ किया कि सामने रेनबो बन रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रेनबो दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा उसको और ज़ूम करता हूँ, आई थिंक अब क्लियरली विजिबल है। और ये रेनबो इसलिए बन रहा है क्योंकि पीछे से डायरेक्टली जो सनरेज़ हैं वो पानी में जो मिस्ट है उस पर रिफ्लेक्ट होकर रेनबो बना रही हैं। ये बहुत ही अच्छा है, इट्स वेरी नाइस व्यू। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हर सुबह यहाँ पर ऐसा होता होगा जब पीछे से सनलाइट पानी में मिस्ट पर पड़ती है और वहाँ से सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर फिर ये रेनबो बनता है। वेरी नाइस, बहुत ही अमेजिंग व्यू।
आगे जाकर रेनबो का व्यू कैप्चर कर रहा हूँ मैं। और अगर आप रेनबो को नायग्रा फॉल्स के साथ देखेंगे तो ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और जो आप सामने मेरे देख रहे हैं ये नायग्रा फॉल्स की दूसरी साइड है। अगर आप यहाँ से नोटिस करेंगे तो अब रेनबो दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि रेनबो वहाँ पर है। और इसका कारण ये है कि अब मैं बिल्कुल सन के सामने नहीं हूँ, अब मेरा एंगल शिफ्ट हो गया है, तो इस वजह से जो सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर रेनबो बना रही थी अब वो मेरे व्यू में नहीं है। यहाँ से भी नायग्रा फॉल्स का व्यू काफ़ी अच्छा है, तो इट्स वेरी नाइस। अभी तकरीबन 7 बज गए हैं, मेरे को यहाँ पर आए हुए आधे घंटे से थोड़ा सा ऊपर हो गया। ये जो मेरे सामने आप रेस्टोरेंट देख रहे हैं टॉप ऑफ द फॉल्स, ये यहाँ का एक बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट है, क्योंकि यहाँ विंडो सीट पर बैठकर आप अपना लंच या डिनर करते समय नायग्रा फॉल्स का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से ये रेस्टोरेंट अभी बंद है और इसकी रीओपनिंग होगी 28 मई को, तो यानी कि 4 दिन बाद। मुझे तो पता था नहीं कि इसकी रीओपनिंग मेरे ट्रिप वाले वीक में ही होगी, तो वरना मैं उसी हिसाब से अपना ट्रिप बुक करता, बट इट्स ओके, अगली बार फिर इसको कैप्चर करेंगे कभी। तो इस समय मैं आया हूँ गोट आइलैंड पर, यह भी नायग्रा फॉल्स का पार्ट ही है। तो आप देख सकते हैं मेरे नीचे से पानी बहकर जा रहा है, और ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद आप देखेंगे कि पानी नीचे वाटरफॉल्स में गिर रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि हर जगह से एक डिफरेंट व्यू है, और कंपेयर करना तो बहुत मुश्किल है कि कौन सा व्यू बेटर है और कौन सा नहीं, क्योंकि हर व्यू की एक अपनी यूनिकनेस है। तो आगे चलते हैं जहाँ पर लोग खड़े हैं और देखते हैं वहाँ से किस तरह का व्यू दिखाई देता है। ये जो आप नीचे देख रहे हैं जो रास्ता बना हुआ है, ये कि एक्चुअली यहाँ की अट्रैक्शन है जिसका नाम है केव ऑफ द विंड्स। तो मेरा प्लान है यहाँ पर कल आने का। इस समय तो मैंने जीन्स वगैरह पहन रखी है और अपने शूज़ भी वाटरप्रूफ नहीं है, तो कपड़े इस टाइम ख़राब हो जाएंगे अगर आज ये अट्रैक्शन करी तो, क्योंकि ये मेरे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस ही पे ही है। तो कल सुबह या कल दोपहर में जिस हिसाब से वेदर अच्छा होगा तो ये कल मैं इसको कवर करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी जाएगा मतलब 100% गारंटी है पूरी तरह भीगने की, जो कि अपने में एक अच्छा एक्सपीरियंस है, एक बार ट्राई किया जा सकता है। तो अभी मैं आया हूँ नायग्रा फॉल्स एक्वेरियम में। ये मेरे होटल से अबाउट 20 मिनट की वॉक है, और इसके आप आसपास देखेंगे तो सारी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ही है। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:50, और एक्वेरियम ओपन होने का टाइम है सुबह 9:00। तो यहाँ मैं पहले कभी आया नहीं हूँ, अभी अंदर जाकर देखते हैं कि टिकट वगैरह कितने की है और अंदर क्या क्या है देखने को। तो अभी आप जो ये सील्स देख रहे हैं ये एक्वेरियम के रेस्क्यू हार्बर एरिया में हैं, जिसका मतलब है कि इन सील्स को रेस्क्यू करके जो भी इनकी नेचुरल सराउंडिंग्स हैं या नेचुरल हैबिटेट है उसमें इनको वापस रिलीज़ किया जाएगा, ताकि ये वहाँ पर अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें। अभी एक्वेरियम खुला नहीं है, और जो एक्वेरियम की जो टिकट है वो एडल्ट टिकट है अबाउट $20 पर पर्सन, तो मुझे नहीं पता। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं एक्वेरियम के अंदर आ गया हूँ, और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के कारण ये जो फ़िश
कि जो साइंस है सिर्फ इसको ही फॉलो किया जा सकता है, और हर एग्जिबिट पे एक्चुअली खड़े होकर वीडियो रिकॉर्डिंग की या फ़ोटो खींचने की परमिशन नहीं है। इस फिश का नाम है वॉलेटाइन लायन फिश। एक्चुअली मैंने कभी ऐसे फिश ना टीवी पर देखी है और रियल में तो खैर पहली बार ही देख रहा हूँ। अब ये नहीं मालूम इसका नाम लायन फिश क्यों है, क्योंकि इस पर स्ट्राइप्स तो टाइगर जैसी हैं। अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पर जा रहा हूँ, यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या अट्रैक्शंस हैं। ओके, तो ये एक्चुअली कोविड की वजह से ये जो एग्जिबिट्स हैं प्रॉपरली सारी ओपन हुई नहीं है, और यहाँ पर शायद कोई शो होता है ये सील्स का ना, तो इस वजह से पूल सा बनाया होगा। तो अभी मैं एंटर कर रहा हूँ इस एग्ज़िबिट में जिसका नाम है एलियंस ऑफ द सी। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। ओह, यहाँ पर के लिए जेली फिश हैं, अलग अलग तरह की जेली फिशेस। ये जो आप देख रहे हैं ये सारी जेली फिश हैं, जो कि आई थिंक ओशियन में सी बेड के ऊपर ही रहती होंगी, इसी वजह से इनको यहाँ पर ऐसे रखा गया है। वेरी यूनिक एंड वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। एक्वेरियम के फर्स्ट फ्लोर पर एक सेक्शन खुला हुआ है जहाँ पर आप बाहर आ सकते हैं। यहाँ मैंने बाहर आके एंट्रेंस का व्यू कैप्चर कर रहा हूँ जहाँ हमने पहले रेस्क्यू हार्बर में सील्स देखी थी। इस एक्वेरियम के स्टाफ ने भी बताया कि इस एग्जिबिट में जो भी फिशेज हैं उनको टच करना अलाउड है। कोशिश करूँगा कि किसी एक फिश को टच करके देखूँ। Thank you.
ये मेरा लाइफ का पहला एक्सपीरियंस रहा है कभी किसी फ़िश को टच करने का। इससे पहले कभी किसी फ़िश को टच किया नहीं और बींग अ वेजिटेरियन खैर कभी खाया भी नहीं है। तो जो ये वाली फ़िश है इसको टच करने पे फील ऐसे ही जैसे किसी हार्ड सरफेस पे टच कर रहे हैं, और जो वो दूसरी वाली फ़िश है उसका सरफेस ऐसा था जैसे आप मशरूम को टच करते हैं, उस तरह का टेक्सचर है उसकी स्किन का। ये जो आप फिश देख रहे हैं आई थिंक दिस इज़ सम काइंड ऑफ अ बेबी शार्क, एंड मैं इसको टच करना चाहता हूँ लेकिन इसकी स्पीड बहुत है तो जब तक मैं हाथ पानी में डालूँगा वो फिश मूव कर जाएगी। कोशिश करके देखता हूँ। नहीं एक बार फिर ट्राई करते हैं अगर टच कर पाया तो। नहीं उसकी स्पीड काफ़ी है, ये टच करने से पहले ही वो निकल जाती है। एक अटेम्प्ट और करके देखता हूँ अगर मैं इस फिश का टच कर पाया तो। ओके तो फाइनली मैंने इस फिश को टच कर लिया है और इसका टेक्सचर भी इसकी स्किन भी इट्स काफ़ी सॉफ्ट है, तो शायद मेरे हिसाब से ये किसी तरह की शार्क है। तो अगर ऐसा है ये एक शार्क की स्पीसीज है तो मैं एक्चुअली लाइफ में कह सकता हूँ कि मैंने शार्क को टच कर रखा है। मैंने अभी इस एग्जिबिट के स्टाफ से पता किया है कि वो जो फिश है लंबी वाली उसका नाम है वाइट स्पॉटेड बैम्बू शार्क, जो कि इंडोनेशिया में और इंडियन ओशियन में पाई जाती है। तो इस फिश को मैं टच कर चुका हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में शार्क को टच कर रखा है। तो इस एक्वेरियम में अभी ये तीन शार्क्स हैं, दो पीछे वाली साइड पर हैं एक, और ये पीछे दूसरी, और एक फ्रंट में तीसरी। तो वे शार्क इधर आ रही है, मैं इसको एक बार फिर टच करने की कोशिश करता हूँ और कर लिया। जी आई थिंक मेरे लाइफ के जितने भी अभी तक एक्सपीरियंसेस रहे हैं तो उसमें ये वन ऑफ द यूनिक एक्सपीरियंसेस है कि आपने चलो एक शार्क की स्पीसीज को टच किया है। काफ़ी अच्छा है। Very nice. जो ये फिश है आई डोंट नो नाम तो मुझे मालूम नहीं, बट ये काफ़ी फास्ट है, हाथ नीचे ले जाते ही उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। इट्स ओके शायद हर फिश को तो टच करना पॉसिबल होगा भी नहीं। यहाँ ये एक और फिश है, इसको टच करके देखता हूँ मैं। ओके इसका सरफेस ऐसा है जैसे जैसे आप कांटे वाली किसी चीज़ को छू रहे हो, जबकि कांटे नहीं हैं, तो शायद उसकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए होगा। फिर से इस वाली फिश को छूने की कोशिश करता हूँ मैं और फिर से टच कर लिया। एक लास्ट अटेम्प्ट इस शार्क फिश को टच करने की, फिर इसके बाद तो मेरी लास्ट अटेम्प्ट पूरी हो गई है और फिशेस को ज़्यादा ना परेशान करते हुए आई थिंक आई शुड लीव। और मेरी जैकेट की जो स्लीव है वो पूरी गीली हो चुकी है पानी में बार बार हाथ डालने से, तो इसको भी पहले सुखाना पड़ेगा। बट ओवरऑल वेरी नाइस एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा रहा। तकरीबन मुझे आधा घंटा हो गया है यहाँ एक्वेरियम में, और तो कुछ देखने को बचा नहीं है। जो मेरी दो फेवरेट जो अट्रैक्शन यहाँ रही हैं, एक तो वो ये वाला एक्वेरियम जहाँ पे फिशेस को टच करना अलाउड है, और जो ऊपर एलियन ऑफ द सी करके एग्जिबिट है जिसमें कि
जेली फिशेज हैं, तो ओवरऑल वेरी नाइस, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ के। म्यूज़ियम के बिल्कुल सामने ये एक और जगह है जिसका नाम है नाइग्रा गॉर्ज डिस्कवरी सेंटर। तो अभी मैंने यहाँ पे अंदर जाने की कोशिश करी है, लेकिन यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि इट्स क्लोज फॉर द सीज़न। और यहाँ पे जो जो अट्रैक्शंस हैं उसमें हैं द कैटरैक्ट थिएटर, गॉर्ज एलिवेटर एक्सपीरियंस, टाइम पोर्टल, गॉर्ज कैमरा, एग्जिबिट्स। और टिकट काफ़ी सस्ती है इसकी, सिर्फ $3 है। तो अगर ये खुला होता तो मेरे हिसाब से अच्छा एक्सपीरियंस रहता। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2, और आज की जो डेट है वो है 24 मई 2021, मंडे का दिन है। और मैं आया हूँ यहाँ थ्री सिस्टर्स आइलैंड पे। ये एक्चुअली मेरा पहली बार है इस एरिया में, तो मुझे पता नहीं है कि क्या एक्सपेक्ट करना है। सिर्फ मुझे इतना मालूम है कि ये जो जगह है ये नायग्रा फॉल्स के पीछे है, मतलब जो नायग्रा रिवर का पानी है वो यहाँ से फ्लो होकर नीचे फॉल्स की तरफ जाता है। तो देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। कर रहे हैं क्रॉस ब्रिज को, और मेरे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं वही नायग्रा रिवर का पानी जो फ्लो के फॉल्स की तरफ जा रहा है। एंड सामने आपको नायग्रा फॉल्स की मिस्ट दिखाई दे रही होगी। तो लेट्स कीप मूविंग। तो हम अभी चलते चलते थ्री सिस्टर आइलैंड के एज पर आ गए हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि पानी का फ्लो कितना ज़्यादा तेज़ है। और अगर आप अकेले में नायग्रा के रीजन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी लोकेशन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम टूरिस्ट आते हैं, तो काफ़ी पीसफुल है। आप आराम से यहाँ पर बैठकर टाइम स्पेंड करें, पानी के व्यूज़ को एंजॉय करें। तो इस समय आप देख रहे हैं नायग्रा फॉल्स का इवनिंग व्यू, और जिस तरह की हमें दिखाई दे रहा है कि कनेडियन साइड से हैलोजन लाइट्स जल चुकी हैं, जो कि अमेरिकन साइड के वाटरफॉल्स पर पड़ के पानी के कलर को अलग अलग कलर्स में चेंज कर रही हैं। और ये तीनों फॉल्स में हो रहा है, पहला फॉल्स जो हमारे सामने हैं, फिर मिडल में, एंड सबसे पीछे लास्ट में हॉर्सशू फॉल। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय भी पूरा अंधेरा हुआ नहीं है, जबकि इस समय तकरीबन रात के 9:15 बज चुके हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में इस चीज़ का बहुत बेनिफिट है समर में कि सुबह 5 बजे हो जाती है और दिन 9:30-10 बजे तक रहता है। इसके अलावा आप सामने कनेडियन साइड पे देख सकते हैं कि अलग अलग होटल्स में भी लाइट्स जल चुकी हैं। तो अभी यहाँ पर थोड़ी देर और रुकेंगे, और जैसे जैसे और कलर्स चेंज होंगे लाइट के
वाटरफॉल का कलर चेंज होगा, तो उसको थोड़ी देर और कैप्चर करके फिर वापस अपने होटल की तरफ चलेंगे। तो इस समय बज रहे हैं रात के तकरीबन 10, और आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, काफ़ी चहल पहल है, क्योंकि जो सामने से लाइटिंग हो रही है वो रात को 12 बजे या 1 बजे तक रहती है। आज का जो दिन रहा वो थोड़ा हेक्टिक था, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, सुबह पहले मैंने सुबह 6 बजे अपना दिन शुरू करके हॉर्सशू फॉल कवर किया, फिर उसके बाद मैं नायग्रा फॉल्स एक्वेरियम में गया था, और फिर आसपास की नायग्रा फॉल्स की ही अलग अलग लोकेशंस को कवर किया, और फिर शाम को नाइट व्यू दिखाने के लिए मैं वापस नायग्रा फॉल्स आया अपने होटल से। आज के दिन के तकरीबन 16 घंटे नायग्रा फॉल्स में बिताने के बाद इस दिन को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।